आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि श्री ज्ञानेश शर्मा जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्यपाद श्रीमत स्वामी सेवाव्रतानंद जी, मुख्य योग प्रशिक्षक आदरणीय श्रीमती ज्योति साहू जी, मुख्य योग प्रशिक्षक आदरणीय श्री रविशंकर साहू जी, उपस्थित देवियों सज्जनों तथा इस योग शिविर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों, विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय योग प्रशिक्षण कार्यशाला में आप सबका स्वागत है। यह जो योग है वह भारतवर्ष का विश्व को एक अनुपम योगदान है। योग अत्यंत प्राचीन है और ऐसा भी लोग कहते हैं कि जब से सृष्टि प्रारंभ हुई यह योग भी प्रारंभ हो गया। भगवान श्री कृष्ण गीता के 4th अध्याय के 3 श्लोकों में योग की प्राचीनता का परिचय देते हैं। पहले इस श्लोक में वे कहते हैं, इमं विवश्वते लोकम प्रोक्तवान अव्ययम विवश्वान मनवे प्राह मुनि ऋच्छ्वा करे ब्रवीत। यह जो अविनाशी योग है इसको सबसे पहले मैंने सूर्य को बताया और फिर सूर्य ने इसे अपने पुत्र विवश्वान को बताया और विवश्वान ने फिर इसे अपने पुत्र इच्छ्वाकु को बताया। और इसके बाद दूसरे श्लोक में वे कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टो परंतपः। इस प्रकार परंपरा से इस योग को राजर्षियों ने जाना और किंतु काल के प्रभाव से वह धीरे धीरे लुप्त हो गया। यहाँ पर योग के संबंध में वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि इस योग को राजर्षियों ने जाना। यह योग राजर्षियों के लिए था, या जो योग की साधना करते हैं वो राजर्षि बन जाते हैं। राजर्षि माने कौन होता है? जिसके शरीर में राजाओं जैसा पराक्रम हो और जिसका मन ऋषियों की भांति अविचल हो, विकार रहित हो, ऐसे लोग राजर्षि होते हैं। तो यह जो योग की साधना है वह मनुष्य के भीतर शक्ति का संचार करती है और उनके मन को एकाग्र और अविचल करती है। तो यह योग की महत्ता उन्होंने बताई। और फिर तीसरे श्लोक में कहते हैं, स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम येद उत्तमम। कि यह योग जिसे मैंने कभी सूर्य को बताया था, सूर्य ने कभी अपने पुत्र विवश्वत को बताया था, विवश्वत ने जिसको अपने पुत्र इच्छ्वाकु को बताया था, वही योग अब मैं तुमको बता रहा हूँ। किस लिए बता रहा हूँ? कि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए यह मैं तुमको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से योग की प्राचीनता का वे उल्लेख करते हैं। पर प्रश्न मन में यह उठता है कि आखिर योग प्रादुर्भाव कैसे हुआ? बहुत से विद्वानों का मत है कि भगवान हिरण्य गर्भ के द्वारा योग का प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने योग का उपदेश किया। और बहुत से विद्वान ऐसा मानते हैं कि महर्षि कपिल ने हिरण्य गर्भ के नाम से ही सांख्य योग का प्रतिपादन किया। सांख्य योग दोनों लगभग एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सांख्य उसका सैद्धांतिक रूप है और योग उसका क्रियात्मक रूप है। ईसा के 2 शताब्दी पूर्व महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना करके एक नवीन दार्शनिक संप्रदाय को पुनर्स्थापित किया। उस समय योग के बहुत से सिद्धांत हमारे शास्त्र ग्रंथों में इधर उधर बिखरे पड़े थे। हमारे वेदों में योग संबंधी सिद्धांत थे, उपनिषदों में योग संबंधी सिद्धांत थे, गीता में योग के संबंध में बहुत सुंदर चर्चा की गई है। तो महर्षि पतंजलि का यह बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने योग संबंधी साहित्य का अध्ययन करके फिर उसके
समग्र सार को सूत्र के रूप में प्रस्तुत करके बहुत वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने इस योग सूत्र का प्रतिपादन किया, योग दर्शन का उन्होंने प्रतिपादन किया। जो लोग आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, योग उनके लिए एक बड़ा सुंदर और महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इस योग दर्शन की विशेषता यह है पतंजलि के कि ये किसी खंडन मंडन की परंपरा पर विश्वास नहीं करता। हमारे देश में दार्शनिक संप्रदायों में खंडन मंडन की परंपरा बहुत रही है, पर यह जो योग दर्शन जो महर्षि पतंजलि का है वह किसी खंडन मंडन की परंपरा को अपने आश्रय में नहीं लेता, वह तो अपनी बात को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करता है। आप उसके प्रत्येक चरण का अनुभव कर सकते हैं, उनके प्रत्येक चरण को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे गणित के स्टेज होते हैं, वैसे ही योग के भी स्टेज हैं। आप इसको हर तरीके से अपने जीवन में आचरित करके इसको परीक्षित कर सकते हैं। और यह जो योग है वह केवल आत्म साक्षात्कार के लिए व्यक्ति को योग्य नहीं बनाता, वह समाज के लिए व्यक्ति को उपयोगी बनाता है। बाद में हम देखेंगे कि यम नियम योग की साधना के लिए आवश्यक शर्त है। जो व्यक्ति यम नियम का पालन करता है फिर उसका जीवन न केवल अपने लिए उपयोगी और सार्थक होता है, समाज के लिए भी उपयोगी और सार्थक होता है, और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, एक अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यह जो योग है वह मूल रूप से आप सभी जानते हैं चित्त को एकाग्र करने की प्रक्रिया है। महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोधः। जब तक चित्त की वृत्तियाँ निरुद्ध नहीं होंगी, जब तक चित्त की वृत्तियाँ इधर उधर भटकती रहेंगी, तब तक आप योग की साधना नहीं कर सकते। कठोपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। कठोपनिषद में तो ऐसे बहुत से सुंदर श्लोक हैं, पर इस श्लोक का सौंदर्य बड़ा अद्भुत है। कठोपनिषद में कहा गया है, परांच खानि व्यत्रिण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चिद् धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत् आवृत्त चक्षुर अमृतत्वमिच्छन्। एक साधक है जो आत्म साक्षात्कार के लिए बैठा हुआ है, जब वह ध्यान लगाता है तब उसके मन जो उनकी इंद्रियां हैं वो इधर उधर विषयों में भटकते रहती हैं, और जब तक विषयों में भटकन होगा, विषयों के प्रति आकर्षण होगा, तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। और तब वह साधक जो अमृतत्व की कामना कर रहा है उसने क्या किया, उसने अपने समस्त इंद्रियों की बहिर्गामी गतिविधियों को निरुद्ध किया और उसके अपने अंदर में केंद्रित किया, और इस प्रकार उसने आत्म साक्षात्कार कर लिया। और जब योगी को आत्म साक्षात्कार होता है तब उसकी स्थिति कैसी होती है, गीता में बहुत सुंदर वर्णन आया है, यथा दीपो निमातस्थो नेंगते सोपमास्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे वायु विहीन स्थान में दीपक की ज्योति जैसे बिना हिले डुले अविचल जलती रहती है, जो योग सिद्ध पुरुष है उसका भी चित्त वैसे ही रहता है। परमात्मा में, आत्मा में उसका ध्यान पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है और वह आत्म साक्षात्कार करता है। और जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता है तब उसकी स्थिति तो बड़ी अद्भुत होती है। हमारे उपनिषद तो बड़ा काव्यात्मक वर्णन करते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशया छीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं, कर्मों का क्षय हो जाता है, व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, अनंत आनंद में वह डूब जाता है। तो ऐसा उपनिषद कहते हैं जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता है। तो योग की साधना से वही सिद्ध मिलती है, हमारे जन्म कर्म का बंधन नष्ट हो जाता है, हम जरा मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य का जीवन जिसके लिए मिला है उस लक्ष्य की पूर्ति इस योग साधना से हो जाती है। पर एक बात यहाँ पर कह देना है, योग का अर्थ केवल मन को एकाग्र करना ही नहीं है। मन एकाग्र तो बहुत से विषयों में हो जाता है। आप जब गणित का सवाल करते हैं
गणित में तल्लीन रहते हैं, सवाल में तो आपका मन एकाग्र हो जाता है, जब आप उपन्यास पढ़ते रहते हैं तो आपका मन एकाग्र हो जाता है, बाह्य विषयों में भी मन एकाग्र हो जाता है, बाह्य उद्दीपकों का ज्ञान नहीं होता। शकुंतला वैसी बैठी हुई थी, दुष्यंत के ध्यान में वैसी शकुंतला बैठी हुई थी। दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो तो दुष्यंत के ध्यान में थी। दुर्वासा ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि जाओ, तुम जिसको याद कर रही हो उसी को भूल जाओगे। तो मन तो एकाग्र बाह्य विषयों में भी हो जाता है, वह योग की एकाग्रता नहीं है। योग की एकाग्रता है कि आप अपने मन को आत्मा पर केंद्रित करें, आप अपने मन को चित्त पर केंद्रित, अपने चित्त को आत्मा पर केंद्रित करें, तब योग की एकाग्रता है। तो ऐसी एकाग्रता प्राप्त करने की बात महर्षि पतंजलि कहते हैं और इसी को वो चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं और इसी के लिए वे अष्टांग योग की बात करते हैं। अष्टांग योग के पालन से मनुष्य के जीवन में चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उसके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। ये अष्टांग योग जो योग के साधक आए हुए हैं, बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत प्राथमिक चीज है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इसको बहिरंग योग के नाम से जानते हैं और ध्यान धारणा समाधि इसको अंतरंग योग के नाम से जानते हैं। अभी आजकल जब भी हम योग की बात करते हैं तो प्रायः आसन और प्राणायाम यही योग के संबंध में लोग सोचते हैं, इसी को ही योग मान लेते हैं। तो इसी को योग मान लेना ठीक नहीं है। महर्षि पतंजलि ने ऐसा अनुभव किया कि जो व्यक्ति योग की साधना करेगा उसका शरीर स्वस्थ होना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही आध्यात्म की साधना हो सकती है। हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है कि नायम आत्मा बलहीने न लभ्यः, बलहीन व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं हो पाता। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने आसन और प्राणायाम के माध्यम से शरीर को स्वस्थ बनाने का विधान किया। पर आसन और प्राणायाम ये केवल यही मात्र योग नहीं है। योग के लिए तो प्रारंभिक शर्त है कि आप यम नियम का पालन करिए, आसन प्राणायाम का पालन करिए, प्रत्याहार का पालन करिए, फिर ध्यान धारणा से होते हुए समाधि के स्तर पर पहुँचिए, तब ही लोग तभी योग का लक्ष्य पूर्ण होगा। केवल आसन और प्राणायाम से योग का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। आसन और प्राणायाम से आपका शरीर सबल और निरोग बन सकता है, आपका शरीर शक्तिमान बन सकता है, पर यम नियम यदि जीवन में नहीं होगा तो आसन प्राणायाम से प्राप्त शक्ति का व्यक्ति दुरुपयोग भी कर सकता है। बहुत से दैत्य होते हैं जो साधना करते हैं, शक्तियां प्राप्त करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। तो योग की सार्थकता तो तब है जब यम नियम का पालन करते हुए आप आसन और प्राणायाम इत्यादि को अपने जीवन में उतारें। आजकल आसन और प्राणायाम को एक हेल्थ टेक्निक के रूप में भी लिया जाता है, चिकित्सा पद्धति के रूप में भी लिया जाता है। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि इससे हमें शारीरिक रोगों का निदान मिल रहा है, हमारा मन स्वस्थ रहता है, यह बहुत अच्छी बात है। किंतु इसके आगे भी योग का लक्ष्य है और वो योग का लक्ष्य है कि आप ध्यान धारणा को पार करते हुए समाधि की स्थिति में पहुँचें। जब आप समाधि की स्थिति में पहुँचेंगे तभी आपका जो योग का लक्ष्य है पूरा होगा, तभी आपके जीवन का प्रयोजन पूरा होगा। तो योग साधना का यही अर्थ है कि हम इस अष्टांग मार्ग को जीवन में उचारते हुए अंतिम स्थिति समाधि को प्राप्त करें और अपने को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर लें। यही मानव जीवन का उद्देश्य है और यही योग दर्शन का उद्देश्य है। आप सब ने मुझे सुना, उत्साहित किया, धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद।